आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत बड़े जादूगर, आप सबने इनका नाम सुना होगा, कोई भी ताला इनको रोक नहीं पाया, कोई भी जेल इनको रोक नहीं पाई। ऐसे जादू करते थे कि लोगों की सांसें थम जाती थी, मौत को चुनौती देते थे ये, लेकिन 52 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि वो भी पूरी साजिश हुई थी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई कैसे मर सकता है, और ये पूरा प्री प्लान्ड था, जो मतलब जिस तरीके से इनकी डेथ हुई थी पूरा प्री प्लान्ड था। लेकिन हैरी हुडिनी का नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि बहुत से जादूगर इनसे प्रेरणा लेते हैं, ठीक है ना। जो एक्ट्स करते थे, स्पेशली जो एस्केप एक्ट्स करते थे, किस तरीके से ये बचते थे, अपने आप को क्रेन से लटका देते थे, हाथ में हथकड़ी बांध देते थे और वो हथकड़ी मिनटों में खुल जाती थी। कभी कभी एक कंटेनर टाइप का होता था, उसके अंदर चले जाते थे, हाथ में हथकड़ी होती थी, पानी ऊपर तक भरा, वहां से निकल आते थे, मौत को चुनौती देते थे। दोस्तों लोग बहुत ही ज्यादा सन्न रह जाते थे, इतनी ज्यादा थ्रिलिंग परफॉर्मेंस होती थी, गजब के जादूगर थे। तो आज हम हैरी हुडिनी की बात करेंगे, इनकी डेथ की भी बात करेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे। इल्यूजनिस्ट, स्टंट परफॉर्मर एंड एस्केप आर्टिस्ट देखेंगे आज हम हैरी हुडिनी के बारे में। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों अगर हम हैरी हुडिनी की बात करें तो इनका जन्म 24 मार्च 1874 को हुआ था हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। ये यहूदी हैं, ये ज्यू हैं। एक्चुअली में इनका नाम हैरी हुडिनी नहीं है, इनका बचपन का नाम है एरिक वीज। इनके पिताजी का नाम रब्बी मेयर सैम्यूल वीज और इनकी माताजी का नाम सेसिलिया स्टाइनर। 7 भाई बहन थे, काफी लंबी चौड़ी बड़ी फैमिली थी, परिवार इनका बहुत ही औसत था, अमीर नहीं था, गरीब भी नहीं था, बहुत ही औसत। लेकिन जब ये 4 साल के थे, एरिक वीज नाम था, याद रखिएगा, हैरी हुडिनी, इन्होंने एक मैजिशियन के नाम पे रखा था अपना नाम, ठीक है, बाद में वो भी जब ये सक्सेस हो गए थे, शुरुआत में इनका नाम एरिक वीज था और ये यहूदी थे। तो यहूदी वैसे बहुत टैलेंटेड होते हैं, आप कुछ भी कहिए, इतिहास बड़ा दर्दनाक है यहूदियों का, बड़ी ट्रेजिक हिस्ट्री है अगर आप देखें कि किस तरीके से इनको भगाया गया, उसके बाद रशिया में गए, वहां पे इनको मारा गया, फिर वहां से इनको भगाया, फिर जर्मनी में आया तो हिटलर ने बैंड बजा दी। तो बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं इनका खूनी इतिहास रहा है, ठीक है। और ये इन्होंने कुछ किया भी नहीं, अगर आप देखें तो सिर्फ ये मेहनत से पैसा कमाते थे और इसीलिए इनसे हर कोई जलता था। लेकिन अब जो इसराइल में ये फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं वो बहुत गलत है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक जीव थी और 4 साल की उम्र में अमेरिका आ गई, 1878 में इनका पूरा परिवार अमेरिका आ गया। और इनकी जो फैमिली थी वो एपल्टन स्ट्रीट, इस समय इसको हुडिनी स्क्वायर बोला जाता है, एज अ ट्रिब्यूट टू हैरी हुडिनी, ठीक है। 9 साल की उम्र में ही भैया ये बड़े टैलेंटेड थे, तो 9 साल की उम्र में ही ये जॉब करने लगे। जॉब क्या, कोई ऐसा नहीं था कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक इनको जॉब करनी है, अपने मन के मालिक थे। जो लोग टैलेंटेड होते हैं उनको जॉब करने की जरूरत नहीं, उनका टैलेंट ही उनको बहुत ऊपर ले जाता है। तो 9 साल की उम्र से भैया ये ट्रेपीज आर्टिस्ट थे, वही जो चलते कूदते हैं, जिमनास्टिक करते थे, तभी से इनको प्रिंस ऑफ एयर कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोफेशनल मैजिशियन बन गए, तब इन्होंने अपना नाम हैरी हुडिनी रखा। ये फ्रेंच मैजिशियन थे जीन यूजीन रॉबर्ट ह्यूडिन, उनके नाम पे इन्होंने अपना नाम रखा हैरी हुडिनी, ठीक है। और जब इन्होंने अपनी किताब निकाली तो इसमें इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि फिर इन्होंने नाम क्यों रखा। बहरहाल इनका जो मैजिकल करियर है वो 1891 में शुरू हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1882 में जो रब्बी हैं वो पूरे अमेरिकन सिटीजन हो गए, अमेरिका की नागरिकता उन्होंने ले ली। रब्बी कौन, हैरी के माता पिता, मतलब हैरी के पिताजी, ठीक है, हैरी हुडिनी के जो पिताजी उनका नाम रब्बी। तो वो 1882 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली, लेकिन उन्होंने इसी समय अपनी जॉब छोड़ दी। अब जब जॉब छूटी तो पूरा परिवार गरीबी में आ गया, वैसे ही बहुत मुश्किल था गुजर बसर, हैरी हुडिनी ने कोई पढ़ाई थोड़ी ना पूरी की है, क्योंकि पढ़ने के लिए पैसे कहां थे, तो हैरी हुडिनी को भी यहां पे जॉब करनी पड़ती थी, तो बड़ी मुश्किल जीवन कट रहा था। और 1891 में इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं इतना टैलेंटेड हूं क्यों ना जादूगर बन जाऊं। तो मैजिकल करियर, बिल्कुल इनका मैजिकली करियर था भाई, 1891 में शुरू हुआ। 8 साल तक स्ट्रगल किया है हैरी हुडिनी ने दोस्तों, ठीक है ना, 8 साल तक इनको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि ये जो ट्रिक करते थे ताश के पत्तों से ये मैजिक करते थे,
जादू या ताश के पत्तों का दिखाते थे। वैसे भी एक मजिशियन को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, प्रोमोटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो उसके शो ऑर्गेनाइज करा सके। वो 1899 में हुआ जब ये मार्टिन बेकमिन से मिले जो कि इनके मैनेजर भी बने और इन्होंने शो ऑर्गेनाइज करवाए, तब जाके हैरी हुडिनी एक्चुअली में फेमस हुए। और बाद में फिर इन्होंने, मतलब अभी तक तो ये एरिक वीज है, ठीक है, बाद में फिर ये हैरी हुडिनी बने। तो 1891 में जब इनका मैजिक करियर शुरू हुआ, ये ताश के पत्ते लेके आते, सबको बताते कि बताओ तुम क्या सोच रहे हो, और उसके बाद ताश के पत्तों से ट्रिक करते। लेकिन दोस्तों ये बहुत स्किल्ड मैजिशियन नहीं थे। ताश के पत्तों की ट्रिक, हाथ की सफाई होती है दोस्तों, मैजिक जादू जो होता है वो पूरी हाथ की सफाई होती है, इसमें ऐसा कुछ नेचुरल नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, आजकल के जो मैजिशियन है दोस्तों, डेफिनेटली कोई माइंड आपका रीड नहीं करता है, ये बिल्कुल इसकी भी ट्रिक होती है। आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली क्या होता है कि आजकल के जो मैजिशियन है वो जादू को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं, ठीक है। अगर वो ताश की भी, पत्तों की भी जो ट्रिक होती है वो परफॉर्म करते हैं तो अलग ही लेवल है। आपको ताश के पत्ते दे देंगे, बोलेंगे कोई एक ताश सोचिए अपने मन में, और उसके बाद वो या तो उस पत्ते को बोल देंगे या फिर कहीं पे वो दिख जाएगा आपको। तो ये पूरा ट्रिक होती है दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं कि वो आपका माइंड रीड कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, होता क्या है, लिप रीडिंग होती है। ये जो आपको बोलते हैं ना, ये माइंड रीड कर रहे हैं, ट्रिक ये होती है कि ये आपके लिप रीड करते हैं। आप जो बोलते हैं कुछ भी, मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि आप, मैं जादूगर हूं, मैंने आपसे पूछा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, ठीक है, तो आप अपने मन में, भले ही अपने मन में बोलेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, मन में सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा आपके होठों पे वो नाम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो वो लिप रीडिंग होती है। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो मैजिशियंस होते हैं ना, वो ट्रिक करते हैं बेसिकली, कोई मेंटलिज्म या माइंड रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ कि अब ये कार्ड के साथ भी जादू दिखाते थे, ठीक है, साथ ही साथ ये हथकड़ियों को खोलना सीख गए थे कि हथकड़ियों को कैसे खोला जाए। और यहां पे ये लोगों के सामने ट्रिक करते थे कि हाथ में हथकड़ी बांध ली और उसको खोल देते थे दो मिनट में। तो 1899 में ये एक शो कर रहे थे और वहां पे मैनेजर मार्टिन बेकमिन ने इनको स्पॉट कर लिया। जब ये हैंडकफ का, यही हथकड़ी वाला शो कर रहे थे, तब इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि बेक इनके पास आए और बोले कि तुम इसी पे ही कंसंट्रेट करो, इधर उधर जादू में मत भटको, तुम्हारा यही करियर है। और उसके बाद बेक जो है, बेकमिन ने ढेर सारे शोज ऑर्गेनाइज कराए। देखते ही देखते एक सालों के अंदर हैरी हुडिनी घर घर में फेमस हो गए। आपको बताना चाहता हूं कि 1900 से 1904 तक, 4 सालों तक, यहां पे बेकमिन जो है ये ऑलरेडी बहुत उस समय जाने माने मैनेजर थे और उनको पता था। देखिए, कहते हैं ना कि वो हीरे की परख जो होती है वो जौहरी को होती है। तो अगर आपको ऐसा जौहरी मिल गया, आपके टैलेंट को उसने भांप लिया, तो समझ लीजिए फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यहां पे बेकमिन को समझ में आ गया था कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद जितने भी शो होते थे वो बेकमिन ही अरेंज कराते थे। अगले 4 सालों तक, 1900 से 1904 तक, इन्होंने पूरा यूरोप का टूर किया और ढेर सारे शो किए दोस्तों। रशिया गए, इंग्लैंड गए, जर्मनी गए। अब दोस्तों क्या होता था कि जो हैरी हुडिनी का जादू होता था ना, वो पब्लिकली होता था। जैसे आज आप देखेंगे स्ट्रीट मजिशियंस की गली में निकल गए, किसी को भी पकड़ लिया, जादू कर रहे हैं, ये हैरी हुडिनी ने शुरू किया था। और यहां पे लोगों के सामने वो मैजिक करते थे, जिसकी वजह से लोग परेशान कि ऐसा हो कैसे सकता है। अब होता क्या था कि ये जो एस्केप एक्ट होते हैं बहुत तरीके के होते हैं। तो हैरी हुडिनी क्या करते थे, किसी भी पुलिस वाले को बुलाते थे कि इधर आओ, मेरे सामने आओ, और तुम अपनी हथकड़ी से मेरे हाथ बांध दो। हाथ बांध देता था वो पुलिस वाला और विद इन अ सेकेंड वो हथकड़ी खोल देते थे। वो जेल में बंद हो जाते थे, पुलिस वालों से कहते थे कि मुझे जेल में बंद कर दो। साइबेरिया की पुलिस ने इनको जेल में बंद कर दिया था, वहां से भाग निकले, जेल तोड़ के भाग निकले। तो ये सारी चीजें होती थी। हालांकि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई कि कोलोन में एक बार ये शो कर रहे थे, वहां की जेल से भाग निकले, तो वहां के जेलर ने बोला कि मुझे इसने रिश्वत दी थी, ठीक है। तो जब केस हुआ, केस के जो जज देख रहे थे, उनके साथ भी हुडिनी ने जादू कर दिया, तो भैया जज भी सरेंडर कर दिए। तो अगले 4 सालों तक, 1900 से लेकर 1904 तक, इन्होंने बहुत जादू किए और खूब पैसा कमाया। लोग तो पागल हो जाते थे कि ये हो कैसे रहा है। और जब वापस लौटे, इतना पैसा कमा लिया था इन्होंने शो से, भैया वैसे भी इंग्लैंड में तो पाउंड में कमाई हुई होगी, तो $25,000 का, इस समय तो दोस्तों उसकी अरबों रुपए कीमत होगी, न्यूयॉर्क में इन्होंने एक घर खरीदा। एक समय पे इनके पास रहने के लिए घर नहीं था,
इनका पूरा परिवार जो है बहुत ही छोटे से कमरे में रहता था और अब इतना बड़ा इन्होंने घर खरीदा है। ये वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे, खुद बताते हैं ये वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे था उनका, ठीक है, हैरी हुडिनी का। उसके बाद दोस्तों फिर इन्होंने ढेर सारे शो परफॉर्म किए, ठीक है, पूरे अमेरिका में भी इन्होंने बहुत जगह गई है वहां पे शो परफॉर्म किए, और देखते ही देखते हुडिनी जो है वो घर घर में फेमस हो गए। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोस्तों वैसे वैसे इन्होंने नई नई ट्रिक आजमाई, ठीक है, नई नई ट्रिक्स लेके आते और जो ट्रिक्स थी वो पिछली वाले से और ज्यादा खतरनाक। तो कई बार तो दोस्तों आपको बता दूं कि मरते मरते बचे थे, ठीक है, एक बार तो इनकी मौत ही हो गई थी लेकिन किस्मत है बच गए, और कुछ इनका भरोसा भी है कि पता था इनको कि कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजों से ये एस्केप एक्ट्स करते थे, ये क्या करते थे अपने आप को चेन में बांध लेते थे और लोगों से बोलते थे कि आओ चेन में बांधो मुझे, चेन में बांध लेते थे और उससे छूट जाते थे। हथकड़ी ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस था, ये तो बहुत टाइम से करते आ रहे थे। और 1909 में इन्होंने किताब भी पब्लिश की थी कि किस तरीके से, उसका नाम था सीक्रेट हैंडकफ्स, अगर आप प्रॉपर फोर्स अप्लाई करें तो हथकड़ी भी खोल सकते हैं। भैया पढ़ लो, क्या बात है, कभी आपको भगवान ना करे पुलिस गिरफ्तार करे लेकिन अगर हथकड़ी लगा दे तो खोल के भाग जाना। खैर जोक्स अपार्ट, ऐसा वैसे होता नहीं है, वो हैरी हुडिनी थे, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे चेन्स है, रोप से जो भैया ये कलाकारी करते थे, वाकई में दोस्तों इनके यूट्यूब पे कुछ है शोज आप देखिएगा, ये तो एकदम दिल धड़क जाता था। बड़ी बिल्डिंग से ये लटक जाते थे, उल्टा लटक जाते थे, ठीक है, रस्सी होती थी सिर्फ एक और अपने आप को ऐसे बांध लेते थे, ठीक है, और विद इन अ सेकेंड अपने आप को छुड़ा लेते थे। लेकिन जो जितनी ऊंचाई पे ये होते थे और इस पोजीशन पे लटके होते थे कि लोग बड़े डर जाते थे कि यार ये तो मर जाएगा, लेकिन मरते नहीं थे, छूट के आते थे। फिर स्ट्रेट जैकेट से बहुत सारे शोज करते थे, आपको पता है ना स्ट्रेट जैकेट क्या होती है। स्ट्रेट जैकेट अमेरिका में और बहुत जगह यूज की जाती है। क्या मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कि इस तरीके की शर्ट होती है, वो मतलब एक जैकेट होती है, उसमें आप एक बार हाथ स्लीव्स में डाल लें फिर आपके हाथ वो पीछे हो जाते हैं, मतलब आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आपके हाथ पूरे लॉक हो जाएंगे, आप इधर उधर कर ही नहीं सकते। जैसे आमतौर पर स्लीव्स में क्या होता है, आमतौर पर जब भी आप अपने शर्ट की स्लीव में हाथ डालेंगे हाथ बाहर निकलेगा, इसमें ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा नेट पर सर्च करिएगा, स्ट्रेट जैकेट्स बोलते हैं, मतलब आप मूवमेंट नहीं कर सकते। ये भी पहना दी जाती थी, ये एक्चुअली उन लोगों को पहनाई जाती है जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो पागल लोग होते हैं, लगता है कि सोसाइटी को हार्म करेंगे ये, ठीक है, जब इलाज होता है पागल खाने में, जब इलाज होता है तो वहां पे भी स्ट्रेट जैकेट्स पहनाई जाती है कि किसी को ये नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो स्ट्रेट जैकेट्स पहन के परफॉर्म करते थे, उल्टा लटक जाते थे तब स्ट्रेट जैकेट्स पहन लेते थे। तो ये सब इन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस इस तरीके की दी। तो ये देखिए दोस्तों चैलेंज हुडिनी, एक्चुअली ये पोस्टर है, ये पोस्टर क्या था दोस्तों, ये इस तरीके के पोस्टर छपते थे और ये बांट दिए जाते थे, पर्चे होते थे बेसिकली। ये क्या था कि हैरी हुडिनी चैलेंज करवाते थे अपने आप को कि आपके पास कोई भी ताला है, कोई भी रस्सी है, कुछ भी है, आप मेरे पास ले आओ, मुझे बांध दो और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं छूट जाऊंगा, और अगर नहीं छूटा तो आपको दुगने पैसे दूंगा। तो ये चैलेंज होता था हुडिनी का, ठीक है, और आज तक ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं था जो हुडिनी, मतलब सब हर वक्त हुडिनी जीते, मतलब कोई जीता नहीं, वो उनके सामने कोई टिक नहीं पाया, ठीक है। तो इस तरीके के पोस्टर जो है वो छपते थे, और उसके बाद जब एस्केप आर्टिस्ट के रूप में वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, फिर गजब का जादू करने लगे ये। एक बार तो इन्होंने पूरा का पूरा हाथी ही गायब कर दिया था, लेकिन इनकी जो चाइनीज वाटर टॉर्चर ट्रिक थी 1913 की, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी दोस्तों। चाइनीज वाटर टॉर्चर ट्रिक जो थी ना, मैं वो लेके आया हूं, ये देखिए, ये थी चाइनीज वाटर टॉर्चर ट्रिक। इस तरीके का बॉक्स होता था, ये उल्टे लटक के, देख रहे हैं ना आप, हैरी हुडिनी उल्टे लटके हुए हैं और ऐसा ये करते थे, कई कभी बिल्डिंग से लटक रहे हैं, कभी क्रेन से लटक रहे हैं, स्ट्रेट जैकेट पहनी हुई है, हथकड़ी पहनी हुई, अपने आप को छुड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये था चाइनीज सेल टॉर्चर, मतलब ये छोटा सा, आप देख सकते हैं ना, ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें हुडिनी अंदर जाएंगे, उल्टा लटक के जाएंगे। चीज बताता हूं कि भैया इसमें होता था पानी, बाप रे, उल्टा लटक के पानी के अंदर जाते थे, और इस तरीके से ये बॉक्स था कि हिलडुल भी नहीं सकते, ठीक है, ये और खतरनाक था। और यहाँ पे ये पूरा ग्लास का होता था ताकि लोग देख सके। अब यहाँ पे अंदर जाते थे, एक मिनट होता था उल्टा, वो भी पानी के अंदर गए काम से, एक मिनट होता था, लेकिन उसके बाद एक मिनट से कम समय में पानी के बाहर निकलते थे, लॉक खोलते थे, लोगों के सामने सर झुकाते थे, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। इसी तरीके का दोस्तों मिल्क कैन एस्केप था, ठीक है ना, और ये 1908 में हुडिनी ने इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस करते रहते थे, ठीक है।
अलग अलग एक्ट्स, अलग अलग एस्केप टेक्निक्स ये इंट्रोड्यूस करते रहते थे, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो मिल्क कैन था, ये जो है बस इसमें कैन होता था, इसी तरीके का कैन होता था और उसमें दूध भरा होता था, बस यहां पे पैर इनके बंधे नहीं होते थे, लेकिन जो हाथ है वो हैंडकफ मतलब हथकड़ी से बंधे होते थे और उसको खोलना होता था, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, यानी कि अगर फेल हो जाते तो इसी में ही डूब के मर जाते, लेकिन कभी भी फेल हुए ही नहीं। तो चाइनीज वाटर सेल और मिल्क कैन एस्केप, फिर स्ट्रेट जैकेट, सस्पेंडेड स्ट्रेट जैकेट, ये इन्होंने हाथ ही गायब कर दिया था, ठीक है। ये इस थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इन्होंने पूरा का पूरा हाथ ही गायब कर दिया था, तो ये चीज है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अप्लॉज हुआ था। इन्होंने ये ट्रिक वैसे एक मजिशियन से खरीदी थी, आपको ट्रिक वैसे खरीदनी होती है, मजिशियन ऐसे कोई भी आपको, भाई वो पैसे कहां से कमाएंगे, उनको भी तो पैसे चाहिए ना, तो इन्होंने पूरा का पूरा हाथी मतलब गायब कर दिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये एक सोसाइटी ऑफ अमेरिकन मजिशियंस थी, ठीक है, 1917 से लेकर 1926 तक के उसके प्रेसिडेंट भी रहे और खूब पैसा कमाया, ढेरों पैसा हुडिनी ने कमाया इस समय, बहुत अमीर हुए और बहुत लोगों को जादू दिखाया। और ये जो सोसाइटी ऑफ अमेरिकन मैजिशियंस थी दोस्तों, ये भी बहुत इस समय काफी प्रॉस्पेरस एक सोसाइटी है, जो कि अमेरिकन मैजिशियंस को जो भी इसमें एनरोल होना चाहिए वो हो सकता है, जो भी अच्छा जादूगर है, और इस समय काफी ज्यादा पैसा सोसाइटी ऑफ अमेरिकन मैजिशियंस को जाता है और काफी इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैजिशियंस निकलते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैजिशियंस जो है वो यहीं से ही आते हैं। तो 1917 से लेकर 1917 में ही सोसाइटी ऑफ अमेरिकन मैजिशियंस का हम देखते हैं कि फॉर्मेशन हुआ था, और इसके 1926 तक मतलब 9 साल तक प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है, और यहां से भी इनको पैसा आता था। ये चाहते थे कि जो जादू सीखना चाहता है वो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, ठीक है, उसके लिए वो चीजें दी जाए जो उसको नहीं मिलती, क्योंकि हुडिनी ने खुद भी बहुत स्ट्रगल किया था यहां तक पहुंचने के लिए, तो वो चाहते थे कि किसी को इतना स्ट्रगल ना, अगर कोई टैलेंटेड है तो उसको पूरा प्लेटफॉर्म मिले, इसीलिए इस सोसाइटी को बनाया गया था। फिर दोस्तों इन्होंने मूवीज भी बनाई, इन्होंने किताबें भी लिखी, ठीक है, इन्होंने प्लेन भी, प्लेन चलाने का, प्लेन उड़ाने का इनको बहुत ज्यादा शौक था, तो 1909 में इन्होंने पूरा का पूरा प्लेन ही खरीद लिया, ऑस्ट्रेलिया पे इन्होंने पूरा प्लेन ले गई, ठीक है ना। मूवीज भी बनाई दोस्तों इन्होंने, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, किताबें भी लिखी इन्होंने अपने ऊपर, हैरी हुडिनी ने अपने ऊपर। हालांकि मूवी करियर और किताबों का करियर इतना ज्यादा चला नहीं, इनका जो मेन करियर था वो एस्केप आर्टिस्ट था, वही करियर इनका लोग दूर दूर से देखने आते थे। मूवी करियर जो था, इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया था, लेकिन वो भी कुछ खास चला नहीं। तो किताब लिखते थे, मूवी बनाते थे, हालांकि किताबों में सीक्रेट्स बताते थे, अपनी ट्रिक्स का सीक्रेट्स बताते, तो इसलिए किताबें बिकती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मूवी करियर तो बिल्कुल ही फ्लॉप हुआ, वो ज्यादा कुछ चला नहीं। हुडिनी की डेथ की दोस्तों बात करें तो 31 अक्टूबर 1926 में इनको इनकी डेथ हुई। एक्चुअली क्या था कि हुडिनी उन लोगों को बहुत ही ज्यादा चैलेंज करते थे जो धर्म के नाम पे दूसरों को बेवकूफ बनाते थे, आज भी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाबा जो हैं कहीं के भी हो, हिंदुइज्म के, क्रिश्चियनिटी के, वो आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो लोगों को ठीक करने का नाटक करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं या फिर कुछ हिप्नोटाइज करके कुछ। तो हैरी हुडिनी उन सबको जो है, जितने लोग बोलते थे कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स है और ये है, तो हैरी हुडिनी उन सबका मुखौटा उतारते थे, सबका मुखौटा उतारते थे, तो उनको चैलेंज करते थे, और कई बार दोस्तों उन्होंने चैलेंज किया और हैरी हुडिनी जीत गए। तो ऐसा बोला जाता है कि हैरी हुडिनी इनके रेडार पे आ गए थे कि किसी दिन तो बेटा इसको छोड़ेंगे नहीं। तो हुआ क्या दोस्तों कि एक बार 1926 की बात, एक शो करने गए थे, तो जब ये शो करने गए तो एक जे गॉर्डन व्हाइट नाम का लड़का आया, ठीक है। अब जे गॉर्डन व्हाइट ने इनसे पूछा कि सर एक बात बताइए कि कुछ मजिशियंस कहते हैं कि मैं आपके जितने भी मतलब मैं पेट में अगर मुक्का मारूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ये र्यूमर है कि सच में ऐसा मजिशियंस कर सकते हैं? तो हैरी हुडिनी ने कहा कि हाँ ये सच में हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ और बोलने वाले थे उस लड़के ने आओ देखा ना ताओ हैरी हुडिनी के पेट में 4-5 मुक्के मार दिए। अब हैरी हुडिनी वही लेट गए, इससे पहले वो कुछ भी रिएक्ट कर पाते। फिर यहां पे शो भी था उनका, लेकिन उनको स्टमक पेन बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा स्टमक पेन होने लगा और काफी डिस्कम्फर्ट हुई। डेट्रॉइट में उनका शो था, पूरी ट्रेन में वो दर्द से कराते गए, शो को कंप्लीट किया उन्होंने, पूरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जैसे ही कर्टेंस गिरे, जैसे ही पर्दा गिरा, वैसे ही बेहोश होके गिर गए। और हम देखते हैं कि 1:26 दोपहर में 1:26 पे 31 अक्टूबर 1926 को इनका देहांत हो गया डेट्रॉइट ग्रेस हॉस्पिटल में, 52 साल के थे ये, तो ऐसा बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों सब थ्योरी है, हैरी हुडिनी के मौत पर बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है, कि बहुत पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी थी और ये जो स्पिरिचुअलिस्ट थे, ठीक है, जो अपने आप को बोलते थे कि हम बहुत बड़े सुपर नेचुरल, हमें पावर है, अमेरिका में भी बहुत चलता है, तो उन्होंने इनको मरवा दिया और गॉर्डन को इसीलिए भेजा था कि इनको मारें। तो
तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों जो भी है, मौत तो इनकी हुई और 4 नवंबर 1926 में इनका पूरा फ्यूनरल हुआ और बहुत सारे लोगों ने इनके फ्यूनरल को अटेंड किया। हैरी हुडिनी की लेगेसी बहुत बड़ी है, आज भी बहुत सारे आर्टिस्ट, स्पेशली जो एस्केप आर्टिस्ट है, वो हैरी हुडिनी को अपना आइडियल मानते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।